Hello everyone, today I'm going to start biphasic liquid dosage form. तो biphasic liquid dosage form में हमारे दो compound that is classified into two, emulsion and suspensions. तो emulsions, what is emulsions? They are biphasic liquids, liquid dosage form. One phase is continuous phase, other phase is dispersed phase, and the globule size of emulsion is varies in between 0.25 to 2.5 micrometers. तो ये हम last class में discuss कर चुके हैं कि emulsions क्या हैं, okay? Type of emulsions, oil in water और water in oil, जिसको हमने identify करने के लिए identification test भी पढ़े थे. तो ये हैं हमारे identification test, dilution test, conductivity test, dye test, fluorescent test, cobalt chloride test and filter paper test. तो ये जो six test थे इनको हम लोगों ने discuss किया. What is dilution test, conductivity test, dye test, fluorescent test, creaming test, cobalt test and filter paper test. Then comes to suspensions. जो emulsions थे वो था when the liquids are not miscible with each other. तो उनको हम with the help of emulsifying agent हम prepare करते हैं लिक्विड डोसेज फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं इमल्शन. अब आता है व्हेन सॉलिड इज नॉट डिसॉल्व इन या सॉलिड इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर. तो यहाँ पे जो हमारा डोसेज फॉर्म आता है वो आता है सस्पेंशन, और ये सस्पेंशन बनते हैं विद द हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट्स. सस्पेंशन का जो पार्टिकल साइज है, दैट पार्टिकल साइज रेंज बिटवीन 0.5 टू 5 माइक्रोन. कंपैरेटिवली ये जो है इमल्शन से थोड़ा बड़ा होता है. और ये जो सस्पेंशंस हैं, इस ये जो है ग्रिटी पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए इसके अंदर. पार्टिकल साइज जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए. देन एडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशन, क्योंकि ये सॉल्यूशन फॉर्म में होता है तो इमल्शन सस्पेंशंस आर रेडिली अवेलेबल फॉर एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा तो वो हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा से ज्यादा पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा, और जिसकी वजह से हमें उसकी बायोअवेलेबिलिटी काफी अच्छी मिलेगी. तो अगर हम कंपेयर करें सॉलिड डोसेज फॉर्म और लिक्विड डोसेज फॉर्म में, तो सॉल्यूशन, सस्पेंशन, इमल्शन, कैप्सूल्स, टैबलेट, यानी कि सबसे अच्छा जो बायोअवेलेबिलिटी होती है वो होती है सॉल्यूशंस की. उसके बाद होती है इमल्शंस, देन सस्पेंशंस, देन कैप्सूल्स, देन कंप्रेस टैबलेट्स, देन कोटेड टैबलेट्स. तो सस्पेंशन जो हम प्रिपेयर करते हैं उसमें हम टेस्ट मार्क्स भी कर सकते हैं. अगर आपके ड्रग का टेस्ट बहुत खराब है, प्लीजेंट टेस्ट नहीं है, कड़वा है वो, तो हम सस्पेंशन बना के उसको उसके टेस्ट को मास्क कर सकते हैं और उसको थोड़ा प्लीजेंट बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल क्लोरमफेनिकॉल. और अगर आपके उसके ऑनसेट ऑफ एक्शन में चेंजेस लाने हैं, तो एग्जाम्पल है हमारा प्रोटामाइन जिंक इंसुलिन सस्पेंशन. तो दिस इज द एग्जाम्पल फॉर to enhance the or prolong the action of the drug. Then comes to disadvantages. Disadvantages mein suspension ki jo physical stability hai wo comparatively thodi kam hoti hai, kyunki they jo suspensions hain wo niche settle ho jate hain, wo niche sediment ho jate hain, to kai baar usme niche caking aa jati hai, niche wo jam jata hai jisse wo redisperse nahi ho pata. यूनिफॉर्मली जो भी लिक्विड डोसेज फॉर्म है उसमें यूनिफॉर्म में प्रॉब्लम आती है एक्यूरेट डोज में, क्योंकि हम लोग उसको एक्यूरेटली वे नहीं कर पाते हैं. कई बार हमने बोला है कि 2.5 ml या 5 ml, तो उस वजह से उसमें थोड़ी सी उस जो डोसेज फॉर्म है वो उसकी एक्यूरेसी नहीं आ पाती है एज कम्पेयर टू यूनिट डोसेज फॉर्म, क्योंकि ये मल्टीपल डोसेज फॉर्म है. देन अगर आप उनके टेम्परेचर में वेरिएशन लेके आते हैं, दे आर थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल, जो मैंने इमल्शन के लिए बोला था. थर्मोडाइनेमिकली अनस्टेबल मीन्स कि अगर आप उसका टेम्परेचर चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को कम करते हैं, तो देट शुड बी नॉट स्टेबल. वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो उस पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अगर आप उसके टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन करते हैं. और अगर जो एशियन कंट्रीज हम लेते हैं, तो एशियन कंट्रीज मीन्स इंडिया भी एशियन में आता है, तो हमारे यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो 4 degrees तक भी जाता है, यानी 0 तक भी है और 50 degrees तक भी है. तो 0 to 50 degrees का जो टेम्परेचर है वो बहुत वाइड रेंज है. तो उस वाइड रेंज में क्या वो हमारा जो डोसेज फॉर्म है वो स्टेबल है? तो यहाँ पे हम बोलते हैं दैट शुड बी स्टेबल एट पर्टिकुलर टेम्परेचर. तो अगर टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन होती हैं, तो आपका प्रोडक्ट जो है ड्यूरिंग स्टोरेज जो है वो स्टेबल रहना चाहिए. देन
आइडियल प्रॉपर्टीज क्या है सस्पेंशन की, अगर मैं सस्पेंशन बना रही हूँ तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो हमारा आइडियल सस्पेंशन जो है वो उसमें ये क्वालिटीज होनी चाहिए. फर्स्ट क्वालिटी इज इट शुड बी सेटल स्लोली एंड ईजिली रीडिस्पर्स्ड ऑन शेकिंग. मीन्स कि अगर वो नीचे सेटल हो भी गया है थोड़ा सा आपको लग रहा है तो आप उसको या तो वो सेटल बहुत स्लो सेटलिंग होनी चाहिए, अगर वो सेटलिंग हो भी रही है तो आप उसको जब उस पर लिखा है कंटेनर पे शेक वेल बिफोर यूज, तो वो दोबारा से यूनिफॉर्मली एक सस्पेंशन बन जाना चाहिए. इट शुड बी रेडिली एंड इवनली पोर फ्रॉम कंटेनर, कि अगर आप उसको बॉटल से अपने जो भी मेजरिंग आपका ऊपर जो कैप है उसमें अगर आप डाल रहे हैं या स्पून में आप ले रहे हैं तो यूनिफॉर्मली आना चाहिए. ऐसा नहीं कि पहले लिक्विड लिक्विड बाहर आ गया फिर उसमें से सॉलिड सॉलिड बाहर आ गया. एंड इट शुड बी केमिकली इनर्ट, जो उसमें दूसरे एडिटिव्स ऐड कर रहे हैं दैट शुड बी वो उसके साथ आपके एपीआई के साथ में उनका कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए. तो ऑल एडिटिव्स आर शुड बी केमिकली इनर्ट. देन इट शुड नॉट फॉर्म हार्ड केक, कि अगर वो नीचे सेटल हो भी रहा है तो नीचे वो जमे नहीं. एक हार्ड अगर वो हार्ड केक बना लेगा तो वो ऐसे यहाँ पर वो रीडिस्पर्स नहीं हो पाएगा. मतलब यहाँ पे वो ऐसे करके बोल रहे हैं रीडिस्पर्स, कि अगर आपने शेक कर दिया है, शेक ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर में मेरा ये सस्पेंशन पूरा यहाँ पे ये फिल हो हुआ है, लेकिन अगर मैं उसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ सस्पेंशन को, तो क्या होता है कि यहाँ पे एक लेयर क्लियर लिक्विड बन जाती है और ये सारा मटेरियल हमारा नीचे नीचे सेटल हो जाता है. इसको अगर ये सेटल हो जाता है तो आप उसको रीडिस्पर्स करना पड़ेगा हमें. तो ये सुपरनेटेड जो है लिक्विड यहाँ पे पूरी क्लियर लेयर आ जाती है, तो ऐसा नहीं है कि ये जो है उसको डिस्पर्स ना हो पाए. तो आप रीडिस्पर्स उसको मतलब दैट मींस कि अगर आप उसको शेक कर रहे हैं तो इट शुड बी इजीली डिस्पर्स. और नीचे यहाँ पे एक हार्ड केक अगर आप उसको पूरा काफी देर तक यूज नहीं करते और शेक नहीं करते हैं तो क्या है कि जो पार्टिकल्स हैं यहाँ पे जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं वो पूरे पहले नीचे सेटल हो जाएंगे. दैट सेटलिंग इज नोन एज सेडिमेंटेशन. ठीक है, इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन. बड़े बड़े पार्टिकल्स नीचे सेटल हुए, बड़े पार्टिकल्स को सेटल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो बड़ा पार्टिकल नीचे जाएगा, उसके बाद उससे छोटे वाले, उसके बाद उससे छोटे वाले. तो यहाँ पे ये हमारे पार्टिकल्स के बीच का जो वॉइड है वो उससे छोटे ले लेंगे, फिर उससे छोटे वाले पार्टिकल्स ले लेंगे. तो उससे क्या होगा, यहाँ पे केक पूरा ये वॉइड वॉल्यूम है जो इनके बीच का स्पेस है वो स्पेस पूरा फिल हो जाएगा. और जैसे वो स्पेस पूरा फिल होता है तो ये एक केक जैसा फॉर्म हो जाता है. जब आप उसको डिस्पर्स करेंगे तो वो रिडिस्पर्स नहीं होगा. तो ऐसी कंडीशन सस्पेंशन पे नहीं आनी चाहिए. देन इट प्रिवेंट डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग और टू इम्प्रूव द स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग. अगर पानी क्योंकि हमारा यहाँ पे जो सॉल्वेंट है नॉर्मली सस्पेंशन में हम वाटर यूज करते हैं, तो वाटर के साथ में आपका ड्रग जो है वो डिग्रेड ना हो, यानी कि नॉर्मली अगर डिग्रेड होता है तो दैट मीन्स कि वहाँ पे हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो आपका हाइड्रोलिसिस नहीं होना चाहिए. और आपका जो हमारा पिछली बार हमने बोला था कि इसका एक डिसएडवांटेज है कि हमारे सस्पेंशन की जो स्टेबिलिटी है वो अच्छी नहीं होती है, तो सस्पेंशन बना के उसकी स्टेबिलिटी जो है वो अच्छी होनी चाहिए. देन इट शुड मास्क द टेस्ट ऑफ बिटर ऑफ अनप्लीजेंट ड्रग. अगर आपके ड्रग का टेस्ट बहुत खराब है तो उसमें ये क्वालिटी होनी चाहिए कि उसके टेस्ट को वो मास्क कर दे. देन सस्पेंशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स और देयर आर टू टाइप्स ऑफ सस्पेंशन. वन इज फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन एंड सेकेंड वन इज डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन. फ्लॉक्युलेटेड एंड डीफ्लॉक्युलेटेड. फ्लॉक मीन्स कि ये जो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो उसके ऊपर जब हम सस्पेंडिंग एजेंट डालते हैं उसके अंदर तो वो सस्पेंडिंग एजेंट की कोटिंग उसके ऊपर हो जाती है, यानी कि यहाँ पे उसके ऊपर सस्पेंडिंग एजेंट की कोटिंग हो गई है, इसलिए दोनों आपस में आसपास ही आ जाते हैं. तो दैट ये आप क्लोज आ जाते हैं जो उसको हम बोलते हैं, और ये एक मिलके पूरा एक गुच्छा जैसा बन जाता है. दैट गुच्छा इज नोन एज फ्लॉक्स. तो इसको ये बोलते हैं फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन. तो इन दिस टाइप सॉलिड पार्टिकल आर लूजली एग्रीगेट्स देमसेल्फ. मींस इंडिविजुअल पार्टिकल्स आर कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर टू फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर दैट आर कॉल्ड फ्लॉक्यूल्स. तो ये आपस में यहाँ आ गए और इन्होंने एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म किया है. दैट नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्लॉक्यूल्स.
These flocks are light, fluffy in nature, which are held together to weak wonderwall forces of attraction. तो ये जो आपस में फ्लॉक्यूल्स बने हैं, तो ये आपस में जो आए हैं, that is because of wonderwall forces. तो wonderwall forces की वजह से ये आपस में मिक्स हो गए हैं. और ये wonderwall forces क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि इसके ऊपर मैंने एक सस्पेंडिंग एजेंट की लेयर बनाई थी. Then aggregates is achieved by adding flocculating agents. So because of that flocculating agent, जो मैंने यहाँ पे आपको suspending agent बोले हैं, तो that suspending agent is also categorized into flocculating agent or deflocculating agent. लेकिन combinedly हम बात करते हैं suspending agents की. तो these suspension will readily sediment. क्योंकि इनका वेट बढ़ जाता है, जब ये आपस में मिक्स हो जाते हैं तो ये फ्लॉक्यूल्स का साइज बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये इजीली सेडिमेंट हो जाते हैं. सेडिमेंट मैंने बताया था ना आपको, सेटलिंग ऑफ पार्टिकल्स इज नोन एज सेडिमेंटेशन. तो आप यहाँ पे देखो, ये पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन ये हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये पूरा सेडिमेंट हो गया है यहाँ पे पार्टिकल्स. इधर आपने उसको थोड़ा सा रीडिस्पर्स किया तो ये पूरा टोटल सेडिमेंटेशन हो गया है इस साइड पे. ये then this suspension possesses better physical stability but less bioavailability as compared to the deflocculated suspension due to the dissolution of flocules. So ye jo agar hum dono mein compare kare flocculated deflocculated suspension mein kya difference hai, to in suspension ki jo stability hai wo comparatively achhi hoti hai but unki bioavailability achhi nahi hoti hai as compared to deflocculated suspensions. Then comes to deflocculated suspension. Deflocculated suspensions मतलब इनके बीच में जो गैप है वो थोड़ा सा कम है या उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होता है. तो इन दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन इंडिविजुअल पार्टिकल एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटी, मीन्स पार्टिकल्स कैरी ए फाइनाइट चार्ज ऑन देयर सरफेस, हेंस पार्टिकल अप्रोच ईच अदर, दे एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स. This force create a high potential barrier which prevents aggregation of the particle. During storage, these suspensions show a sedimentation at slow rate due to that particle forms a close packing arrangement. Means जो यहाँ पे flocules में क्या था, ये आपस में जो है इसका attraction force था, but attraction force जो है वो थोड़ा weak था, जिनकी वजह से flocules हैं उनका साइज बढ़ रहा है बट ये इजीली डिस्पर्स हो जाते हैं. लेकिन इस वाले केस में इनकी जो पार्टिकल हैं ये इंडिविजुअल एंटिटी की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो इनकी सेटलिंग थोड़ी स्लो होती है. ठीक है, इनका इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी अच्छी है, सेटलिंग कंपैरेटिवली स्लो हो रही है. बट अगर जब स्लो हो रही है और आप उसको छोड़ देते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो वही सेम बड़े पार्टिकल्स नीचे सेटल हो जाने शुरू हो जाते हैं, उसके बाद उससे छोटे वाले, उसके बाद उससे छोटे वाले, तो इनके बीच में एक कॉम्पैक्ट केक जैसा बना देते हैं. तो अगर आप उसको रेगुलरली शेक नहीं कर रहे हैं तो दैट फॉर्म्स अ क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट, जिसकी वजह से वो एक जो पैक बनाते हैं वो कंटिन्यू ऐसा पैक बनाते हैं कि आप उसको दोबारा से रीडिस्पर्स नहीं कर सकते हैं और वो एक केक फॉर्म कर देता है. ठीक है, देन नेक्स्ट टू, सो दैट इट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स ऑन एजिटेशन एंड फॉर्म अ केक और क्लेइंग व्हिच इज हार्ड इन नेचर. ठीक है, तो एक केक फॉर्म हो जाता है. दिस टाइप ऑफ सस्पेंशन हैव शॉर्टर शेल्फ लाइफ बट हाई बायो अवेलेबिलिटी एज कंपेयर्ड टू फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन. इस केस में यहाँ पे फिजिकल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी बट बायोअवेलेबिलिटी कम थी. इस केस में इसकी फिजिकल स्टेबिलिटी जो है, भले इसका जो सेडिमेंटेशन है वो स्लो है बट इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली कम है, बट इसकी बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होती है. तो अब यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन एंड डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन. तो ये एक ये टेबल है फ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन और डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन के बीच में डिफरेंस. तो पहला डिफरेंस हम लेते हैं एज पर उसका पार्टिकल साइज कैसा है. तो पार्टिकल जो है दैट फॉर्म लूज एग्रीगेट्स एंड फॉर्म नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर. ओके, इन दिस डीफ्लॉक्युलेटेड सस्पेंशन पार्टिकल्स एग्जिस्ट एज अ सेपरेट एंटिटी है, यानी कि वो सिंगल सिंगल एंटिटी है. और यहाँ पे क्या थे, उनका एक नेटवर्क जैसा फॉर्म हो जाता है और वो एक फ्लॉक्यूल बना लेते हैं. देन इन पार्टिकल साइज एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स
और डिफ्लॉकलेटेड में दे एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स एंड रिपल्सिव फोर्स. देन सुपरनेटेड लिक्विड इज क्लियर, हेयर सुपरनेटेड लिक्विड इज क्लाउडी, हेयर रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज हाई, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज लो, सेडिमेंट इज रैपिडली फॉर्म, सेडिमेंट इज स्लोली फॉर्म, सेडिमेंट आर लूजली पैक्ड और ये हार्ड केक फॉर्म नहीं करता है. एंड इन द केस ऑफ डीफ्लॉकलेट सस्पेंशन दे फॉर्म क्लोजली पैक्ड सेडिमेंट एंड फॉर्म केक. द सेडिमेंट इज इजली रीडिस्पर्स ऑन शेकिंग. इन केस ऑफ डीफ्लॉकलेट सस्पेंशन सेडिमेंट इज डिफिकल्ट टू रीडिस्पर्स ऑन शेकिंग, क्योंकि यहाँ पे केक फॉर्म हो गया है. बायोअवेलेबिलिटी इज कंपेरेटिवली लेस एंड बायोअवेलेबिलिटी इज रिलेटिवली हाई. द सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग अपीरियंस, मतलब ये देखने में इतना अच्छा नहीं लगता है फ्लॉकलेट सस्पेंशन. एंड दीज सस्पेंशन आर फ्लॉक, इसकी जो अपीरियंस है दैट शुड बी प्लीजेंट. तो इन दिस केस अब हमें ये समझ में आ रहा है कि दोनों में कुछ ना कुछ क्वालिटीज हैं, तो हम कई बार कॉम्बिनेशन ऑफ सस्पेंशन यूज करते हैं. तो ऐसा नहीं है कि फ्लॉकुलेटेड बनाना ही नहीं है हमें सस्पेंशन, या हम डीफ्लॉकुलेटेड नहीं बनाएंगे. हमें जैसी कैटेगरी चाहिए, हमें अगर बायोअवेलेबिलिटी अच्छी चाहिए तो हम ये वाला बना देते हैं, और अगर हमें स्टेबिलिटी ज्यादा चाहिए तो हम ये वाला सस्पेंशन बना लेते हैं. डिपेंड्स कि आपको कौन सा सस्पेंशन बनाना है. तो दिस इज द एंड ऑफ लिक्विड डोसेज फॉर्म. अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म की.